वेलकम टू अम्ब्रेला स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 13 सितंबर और 13 सितंबर की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ जायद टू पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए के श्रीवास्तव, ऑप्शन बी नवदीप सिंह सूरी, ऑप्शन सी रमेश सिन्हा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन बी नवदीप सिंह सूरी। नवदीप सिंह सूरी ने यूएई ने भारत के राजदूत नवदीप सिंह सूरी को फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ जायद टू पुरस्कार से सम्मानित किया है। वहां के राष्ट्रपति ने भारत और यूएई के बीच महत्वपूर्ण विकास एवं संबंधों के सहयोग के लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। हमें इस क्वेश्चन से ये जानकारी मिलती है। तब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, हाल ही में प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए पी के सिन्हा, ऑप्शन बी आर के जैन, ऑप्शन सी मानव शर्मा, ऑप्शन डी राजीव कुमार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पी के सिन्हा। तो पूर्व कैबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सलाहकार चुना गया है और कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने पीके सिन्हा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। पीके सिन्हा यूपी के 1977 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। हमें इस क्वेश्चन से ये जानकारी मिलती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, नेपाल इंफ्रास्ट्रक्चर शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी काठमांडू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हुआ काठमांडू, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हुआ। तो नेपाल इंफ्रास्ट्रक्चर शिखर सम्मेलन 2019 काठमांडू में आयोजित किया गया है और एक इस शिखर सम्मेलन का जो विषय रखा गया था वो है रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हम नेपाल के बारे में बता दें, नेपाल के प्रधानमंत्री ओपी शर्मा कोहली, यहाँ की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी तथा यहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया। तो हमें इस क्वेश्चन से ये जानकारी मिलती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एमपीए टीजीएम का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है। ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी डीआरडीओ, ऑप्शन सी नासा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डीआरडीओ, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट आंसर। डीआरडीओ ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल की सीमाओं में स्वदेशी रूप से विकसित बम आग और फॉरगेट मैन पोस्टेबल एंड गाइडेड मिसाइल एमपीए टीजीएम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब हमें इसमें एमपीए टीजीएम इसकी फुल फॉर्म हमें आनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म है एम से मैन, पी से पोर्टेबल, ए से एंटी, टी से टैंक, जी से गाइडेड, एम से मिसाइल। ये इस श्रृंखला की तीसरी परीक्षण है। अब हम डीआरडीओ के बारे में आपको बता दें, तो डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, एशिया में सादे सिगरेट पैकेजिंग का अनावरण करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी थाईलैंड। तो थाईलैंड धूम्रपान की अपील को कम करने के लिए सादे सिगरेट पैकेजिंग वाला एशियाई पहला एशियाई देश बन गया है और ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दिशा निर्देशों का पालन किया है। वर्ष 2012 में रंगीन ब्रांड लोगों के बिना तंबाकू उत्पादों को बेचने वाला ऑस्ट्रेलिया पहला देश बन गया था। हम थाईलैंड की बात करें तो वहाँ की राजधानी बैंकॉक है, यहाँ की मुद्रा बहत है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, किस राज्य ने व्यापारियों के लिए नई बीमा योजना शुरू की है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हरियाणा। हरियाणा की राज्य सरकार ने पंजीकृत छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए दो बीमा योजनाएं शुरू की हैं। अब हम
इसमें हरियाणा की बात हुई है तो हरियाणा के बारे में जानकारी कर लेते हैं। यहाँ के सीएम मनोहरलाल खट्टर हैं, यहाँ के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं, यहाँ की राजधानी चंडीगढ़ है। हमें इस क्वेश्चन से ये जानकारी मिलती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा फॉर्म खोला है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी भारत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वियतनाम। तो वियतनाम ने सालाना 688 बिलियन किलोवाट बिजली का उत्पादन करने की क्षमता वाले दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा फार्म का उद्घाटन किया है। यह सोलर पावर फार्म नाइजिन में 540 हेक्टेयर में स्थित है। इसमें $391 बिलियन से अधिक का निवेश किया गया है। हमें इस क्वेश्चन से ये जानकारी मिलती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में बंडारू दत्तात्रेय ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने 11 सितंबर 2019 को हिमाचल प्रदेश के 27वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। तो हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने उन्हें यह शपथ अपने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। बंडारू दत्तात्रेय ने कलराज मिश्र का स्थान लिया है। हमें इस क्वेश्चन से ये जानकारी मिलती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किस देश के दो क्रिकेटरों एंड्रू स्टॉस तथा वायकॉट को नाइट आउट से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। तो ऑप्शन बी इंग्लैंड। तो इंग्लैंड क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी जेफरी वायकॉट तथा एंड्रू स्टॉस को वहाँ की थेरेसा मे ने अपनी इस्तीफे की मानक सूची में नाइट आउट से सम्मानित किया है। तो जेफरी वायकॉट ने इंग्लैंड के लिए 108 टेस्ट खेलकर 8,114 रन बनाए तथा एंड्रू स्टॉस ने इंग्लैंड के लिए 100 टेस्ट खेलकर 7,000 से अधिक रन बनाए हैं। हमें इस क्वेश्चन से ये जानकारी मिलती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, दिग्गज वकील राम जेठमलानी का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया था? ऑप्शन ए 65 वर्ष, ऑप्शन ए 85 वर्ष, ऑप्शन सी 95 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 95 वर्ष। तो भारत के दिग्गज वकीलों में से एक राम जेठमलानी का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये 6 बार के राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। हमें इस क्वेश्चन से ये जानकारी मिलती है। अब देखते हैं इस वीडियो का अंतिम और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, किस खिलाड़ी को गृह मंत्री द्वारा पद्म विभूषण के लिए नामांकित किया गया है? ऑप्शन ए मैरी कॉम, ऑप्शन बी साइना नेहवाल, ऑप्शन सी सानिया मिर्जा, ऑप्शन डी पीवी सिंधु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मैरी कॉम। तो हाल ही में गृह मंत्रालय ने मैरी कॉम को पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। तो मैरी कॉम भारत की एक प्रसिद्ध मुक्केबाज है। ये 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन भी रही हैं। हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है।